गुड मॉर्निंग बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोग सभी से क्लास फोर। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 9, कविता या कदम का पेड़। इस कविता का शीर्षक है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। इस कविता में एक छोटा सा बच्चा अपने माँ से क्या ख्वाहिशें करता है उसका वर्णन किया गया है। तो हम लोग कविता सुनते हैं। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठे कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी, तुम दो पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। इसका अर्थ है, इस कविता में एक नन्ना बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ यह कदम का पेड़ अगर यमुना के किनारे होता, मैं भी उस पर बैठकर कन्हैया की तरह बंसी बजाता और अटलियां करता। माँ अगर तू मुझे बांसुरी ले देती तो यह कदम की डाली नीचे हो जाती। नेक्स्ट लाइन, तुम्हें नहीं मैं कुछ कहता पर चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंची पर चढ़ जाता। वहीं बैठे फिर बड़े मजे से माँ बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा का बंसी के स्वरों में तुम्हें बुलाता। इनका अर्थ है, नन्ना बच्चा बोल रहा है अपनी माँ से, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताता, आप चुपके से आकर कदम के पेड़ के ऊपर जाकर बैठे, वहीं बंसी के स्वर में मैं तुम्हें बुलाता। समझ में आया? नेक्स्ट लाइन, सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। यहाँ इसका अर्थ है, नन्ना बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि माँ तुम मेरी बंसी की आवाज़ों से तुम इतनी खुश हो जाती, सारा काम छोड़कर दौड़े आ जाती। माँ मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताता और चुपके से आकर कदम के पेड़ के ऊपर जाकर वहीं बैठकर बंसी के स्वर में मैं तुम्हें बुलाता। समझ में आया? नेक्स्ट लाइन, गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आजा, पर जब नहीं उतरता माँ हंस कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे नन्ने, तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। उनका अर्थ है, माँ गुस्सा होकर नीचे आने को कहती है, पर जब नहीं उतरता तो माँ उसे हंसकर कहती है, माँ मैं तुम्हें मिठाई खिलौने दूध माखन मिश्री दूंगी। नेक्स्ट लाइन, मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कहकर पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, तब माँ माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। इनका अर्थ है, नन्ना बच्चा हंसकर सबसे ऊपर की टहनी के पत्तों में छिपकर माँ को पुकारता, और माँ बहुत बुलाने पर भी नहीं उतरता, तब माँ व्याकुल हो जाता है, मतलब बेचैन हो जाती है माँ। तुम आंचल पसार कर अम्मा वही पेड़ के नीचे ईश्वर में से कुछ विनती करती, बैठी आंख मिचौनी, तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। इनका अर्थ हुआ, नन्ना बच्चा कहता है, माँ जब मैं नहीं उतरता तब माँ अपना आंचल फैलाकर ईश्वर से क्या करती, विनती करती, प्रभु मेरे बच्चों को नीचे उतार दे। जब तुम ध्यान में हो जाती, मतलब माँ जब ध्यान में होती है तब माँ धीरे से बालक, छोटा बालक धीरे से आता और माँ के आंचल में छिप जाता। नेक्स्ट लाइन, तुम घबरा कर आँख खोलती,
पर फिर खुश हो जाती जब अपने मुन्नी राजा को गोद में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पे अगर यह होता यमुना तीरे। गलत हुआ कि जब माँ घबराकर अपनी आंखें खोलकर मुन्ना राजा को गोद में देखती तब माँ खुश हो जाती। जो समझ में आया, कविता को लर्न करके अपने कॉपी में लिखिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।